नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के न्यू ईयर गिफ्ट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई कम करने का दम भरा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमलावर हो गए। यहां तक कि उन्होंने नोटबंदी को आजादी के बाद सबसे बड़ा फेल्ड एक्सरसाइज ठहरा दिया। प्रधानमंत्री जी ने कल वर्ष के अंतिम दिन जो घोषणा की है उसका मूल आधार यह है कि जो साधन चंद एक लोगों के हाथ में काला धन के रूप में थे आज सरकारी राजस्व में आए हैं और बैंकिंग व्यवस्था में आए हैं, और उन साधनों को ट्रांसफर किया जा रहा है गांव और शहर में, सामान्य लोगों अपना घर बना पाए उसके लिए उनको सस्ता ऋण मिल जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, लघु उद्योगों को सस्ते दर पर साधन मिल जाए, किसानों को सस्ते दर पर ऋण मिल जाए। जो चार ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री जी लेके चले थे जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, 100 लोगों की जान ले ली और जिसकी वजह से सारा बिजनेस ठप कर दिया, सब लोगों का धंधा चौपट कर दिया, सबका घर बर्बाद कर दिया, कम से कम देश ये तो जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी इस 50 दिन की कवायद के बाद क्या मिला, देश को क्या मिला, आपको क्या मिला। अब ये जो कह रहे हैं कैशलेस करेंगे, पेटीएम करेंगे, उसके लिए क्या, इसकी नोटबंदी की क्या जरूरत थी, वो वैसे कर लेते।